रामाला तालाब प्रदूषण मुक्त व खोलीकरण करने की मांग पूर्ण होने पर इको प्रो ने आंदोलन का इशारा दिया। शहर के एकमेव ऐतिहासिक कोणकालीन रामाला तालाब में बढ़ रहे प्रदूषण से मछलियां मृत होने की घटना सामने आई है। तालाब के किनारे पर मछलियां मृत पाए जाने से रामाला तालाब का प्रदूषण अधोरेखित हुआ है। इकोप्रो सदस्य रामाला तालाब के किनारे थे, तभी चारों ओर पानी में मछलियां मृत तैरती दिखाई दी। इकोप्रो के सदस्य ने तालाब में उतर कर निरीक्षण किया। किनारे पर स्थित कचरा साथ ही कोर्निया वनस्पति के कारण यह मृत मछलियां दिखाई नहीं दे रहे थे। नजदीक जाने पर संपूर्ण तालाब में तैरती हुई दिखाई दी, लेकिन उक्त स्थान पिछले कुछ दिनों से मछलियां मृत होने का दिखाई दे रहा है। आज केवल विसर्जन स्थल पर निरीक्षण करने बाद कुछ मछलियां मृत पाई गई। इसी कारण यानी कायम तालाब में आने वाला दूषित पानी जो मच्छी नाले के माध्यम से तालाब में आता है, जिससे तालाब का प्रदूषण बढ़ा है और जल जीव को खतरा निर्माण हो रहा है। इकोप्रो निरंतर तालाब के प्रदूषण की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बार बार जिला प्रशासन की ओर मांग कर रहा है। अभी तक तालाब खोलीकरण का निर्णय नहीं हुआ है। तालाब में पानी छोड़ना और खोलीकरण करना बरसात के पूर्व जरूरी है। आदि बातों का विचार करते इकोप्रो संस्था अब रामाला तालाब प्रदूषण मुक्ति की मांग के लिए आक्रामक हुआ है। आज फिर तालाब के पात्र में इकोप्रो सदस्यों ने खड़े रहकर मृत मछलियां हाथ में पकड़कर साथ ही सेव रामाला तालाब के फलक हाथ में लेकर निदर्शन किया, साथ ही आंदोलन का इशारा दिया है। इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी ने इकोप्रो के अध्यक्ष बंडू धोत्रेन के नेतृत्व में इकोप्रो के कार्यकर्ता तालाब का निरीक्षण करते समय इकोप्रो पर्यावरण विभाग प्रमुख नितिन रामले के संजय सपनवार, अर्थ गुरवार, हरीश मेश्राम, प्रमोद मलिक आदि शामिल हुए थे।